नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदिल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक्निकल आदिल। आज हम बात करने वाले हैं कि आप Google मैप पर अपना घर या दुकान कैसे डालेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। Google मैप पर अपना घर या दुकान डालने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आना होगा और ये देखना होगा कि आपका मैप ऐप है जो वो अपडेट है या नहीं। तो आप अगर आपका अपडेट नहीं है तो आप यहाँ से अपडेट लिख कर आएगा, अपडेट कर लें। मेरा अपडेट है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ओपन करता हूँ। तो गाइस, आपको यहाँ पर नीचे कुछ दिख रहा होगा, 5 कॉलम। आपको अपना घर या दुकान डालने के लिए यहाँ पे कंट्रीब्यूट लिखा है, 4th ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपके सामने लिखा है ऐड पैलेस, ऐड प्लेस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है नेम, आपको अपने घर का या दुकान का जो भी नेम है आप यहाँ पर डाल दें। जैसे मैं दुकान डाल रहा हूँ तो मेरी दुकान का नाम है। खुशबू ऑटो, सेंटर। तो गाइस, मैंने अपनी दुकान का नाम यहाँ पर डाल दिया है। अब नीचे कैटेगरी चूज करनी है, यहाँ पर ऐड कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। तो आपकी अगर रेस्टोरेंट है या फिर कोई बार है तो आप फूड एंड ड्रिंक पर करेंगे। आपका कोई मॉल वॉल अगर चूज़ करना है तो शॉपिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ सर्विस पर क्लिक करेंगे अगर आप कोई सर्विस करते हैं। होटल अगर डालना है होटल पर क्लिक करेंगे। ऑफिस है इंडस्ट्री पर क्लिक करेंगे। मेरा काम है बाइक का तो मैं सर्विस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ देखिए बैंक है तो बैंक में इधर बाइक मैकेनिक पर क्लिक करूँगा। टू व्हीलर रिपेयर शॉप, इस पर क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ लोकेशन डालनी होगी। सबसे पहले आप अपना एड्रेस डालें, तो मैं एड्रेस डालता हूँ अपना पुराना बस स्टैंड रोड इटावा। आप अपने शहर का नाम लिखने के बाद कॉमा लगा के अपना स्टेट लिखिए। जैसे मैं लिखता हूँ उत्तर प्रदेश और फिर कॉमा लगाकर अपनी कंट्री लिखिए इंडिया। अब यहाँ पर लोकेशन पर क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पर चूज़ करनी है मैप पर लोकेशन की आप कहाँ हैं। आप अगर आप ऐसे ढूंढना चाहें रोड बाय रोड बड़ा करके कि आप कहाँ रहते हैं तो आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं। और अगर जिस लोकेशन पर आप बैठकर ये मैप पर डाल रहे हैं यहाँ पर पॉइंट बना हुआ है इस पर क्लिक कर दें तो आप वहीं का आ जाएगा। देखिए जैसे मैं जहाँ से डाल रहा हूँ वहीं का आ जाएगा। ये आपसे कुछ परमिशन मांगे दे देना। अब देखिए जहाँ पर मैं अपनी दुकान पर ही बैठा हूँ यहाँ का आप देख लीजिए। ये नहीं का डाल मुझे यहीं का डालना है तो मैं यहीं का डाल दे रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर ये आ गया है तो मैं क्लिक कर देता हूँ ओके पर क्लिक कर दीजिए। डालने के बाद अब आप उसके बाद अब यहाँ पर ऐड आवर्स वेबसाइट ओपनिंग डेट एंड फोटोज़ इस पर क्लिक करिए।
अब यहाँ पर ऐड आवर्स पर क्लिक करते हैं पहले ऑप्शन पर। अब यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो डालना है तो मैं फ़ोटो डालता हूँ। जैसे आप अपना घर का डालना चाहें घर का डालना, अगर शॉप है तो शॉप का डाल दीजिए। फ़ोटो सेलेक्ट कर लिए हैं, अब मैं यहाँ पर डन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपको डे चूज़ करने हैं। अगर आप दुकान चूज़ करते हैं तो आपकी किन किन दिन दुकान खुलती है, तो मैं यहाँ पर दिन कलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे संडे। अब यहाँ पर आपको टाइम सेलेक्ट करना कि आपकी कितने बजे से कितने बजे तक खुलेगी। तो मेरी संडे को 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, तो मैं यहाँ पर 2 PM पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आपकी 24 घंटे खुलती है तो यहाँ पर ओपन 24 आवर्स पर आप क्लिक कर दीजिए। मंडे को 9 बजे से शाम के 7 बजे तक, इसी तरीके से आप सारी डेज में चूज़ कर लीजिए। तो सारे डेज सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर डन पर क्लिक कर दें, तो यहाँ पर आपका टाइम भी ऐड हो गया। अब यहाँ पर वेबसाइट, अगर आपकी कोई ये डालना चाहे तो यहाँ पर आप वेबसाइट डाल सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी ओपनिंग डेट भी डाल सकते हैं कि आपने कब ओपन करी थी, वरना ऐसे ही रहने दें। और यहाँ पर रहने के बाद अब यहाँ आप ऊपर तीर पर क्लिक कर दें, ये नीला दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिख के आ रहा है एड्रेस इज एम्बिगुअस चूज ऑफ दिस, इसमें से कोई एक एड्रेस चूज़ करो आप। तो मैं यहाँ पहला ऑप्शन कर देता हूँ, पुराना बस स्टैंड रोड इटावा उत्तर प्रदेश इंडिया, इस पर क्लिक करके मैं ऊपर तीर पर क्लिक करता हूँ। मैं दोस्तों आपको पूरी हर चीज़ दिखा देता हूँ, अगर मुझसे कुछ गलत होता है तो मैं वहीं पर आपको दिखा देता हूँ कि आपसे ये गलती ना हो। तो गाइस मैंने देखी यहाँ पर लिख कर आ गया, थैंक्स फॉर शेयरिंग एंड हेल्पिंग अदर्स ऑन गूगल मैप। तो गाइस यहाँ पर आपका हाउस या शॉप मैप पर डल चुकी है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं वैसे ही आपके गूगल मैप पर मैसेज आता है गूगल अकाउंट पर, उसमें लिखा होता है कि आपने जो अपना एड्रेस दिया है गूगल मैप पर डाला है, ये 24 घंटे के अंदर आपका डाल दिया है। जैसे आप अपना मकान या दुकान या मस्जिद या मंदिर या फिर शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जो भी चाहें आप इस तरीके से गूगल मैप पर डाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।